केंद्रीय बजट पेश होने से पहले उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने एक प्री बजट चर्चा का आयोजन किया। हमारे साथ बात करने के लिए संजय गुप्ता जी हैं। संजय जी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो सुझाव लिखे गए हैं कैसे सरकार तक वो पहुंचेंगे? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज पदाधिकारियों की एक प्री बजट डिस्कशन का सेशन आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें हम लोगों ने वित्त मंत्री जी से हम लोग बजट में क्या चाहते हैं इस पर चर्चा की है और अनेक विषय आज निकल के आए हैं। सबसे पहले तो विषय यह आया कि वर्तमान में व्यापारियों के सामने विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण बहुत चुनौतियां हैं, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां भारत के नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, अपने मनमाने तरीके से व्यापार कर रही हैं। इसमें डीप डिस्काउंटिंग भी शामिल है, क्वांटिटी भी शामिल, कई चीज़ें उसमें शामिल हैं। ये ऐसा कर पा रही हैं इसलिए क्योंकि देश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी बने, ये हम लोगों की वित्त मंत्री जी से मांग रहेगी। रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी बने, ये हम लोगों की मांग रहेगी। व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा मिले, क्योंकि व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है, इनकम टैक्स भी व्यापारी देता है, GST भी व्यापारी देता है, तो व्यापारियों के स्वास्थ्य की चिंता सरकार को करनी है। व्यापारियों को हेल्थ इंश्योरेंस मिले, ये हम लोगों की मांग है। बाज़ारों में CCTV कैमरे लगा करके बाज़ारों की सुरक्षा व्यवस्था और व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। केंद्र सरकार अपने बजट में देश के सभी प्रमुख शहरों में, प्रमुख बाज़ारों में CCTV कैमरे के लिए बजट का प्राविधान करें, ये हम लोगों की मांग रहेगी। साथ ही साथ GST में बहुत सी विसंगतियां हैं। GST में कुछ लोगों का जो रिटर्न जाता है वो क्वार्टरली जाता है, कुछ लोगों का मंथली जाता है, जिसकी वजह से मैच में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों की मांग है कि सारे जितने भी रिटर्न हैं सब क्वार्टरली होने चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की विसंगति न रहे। पेनाल्टीज बहुत ज़्यादा है, पेनाल्टी को कम किया जाए। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने एक यहाँ पर विषय प्रेजेंटिव टैक्स, जो अभी तक के जिसका 2 करोड़ तक का टर्नओवर था, इसकी सीमा को बढ़ा के 5 करोड़ किया जाए, ये विषय यहाँ पर आया। और इसको प्रॉफिट 8% से जोड़ते थे, अभी तक उसको 3% से जोड़ा जाए, ये विषय यहाँ पर आज भी आया है। PF और ESI में 20 कर्मचारियों की अनिवार्यता है, इसको 50 कर्मचारियों तक का ले जाया जाए, ये हम लोगों के लिए आज यहाँ पर विषय रखा है। ऑनलाइन पेमेंट पर MDR चार्जेस पूरी तरीके से समाप्त होने चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ऑनलाइन को बढ़ावा मिले, तो MDR चार्जेस का कोई तुक नहीं है, वो ख़त्म होना चाहिए। कंप्यूटर और लैपटॉप GST की पालना के लिए अति आवश्यक हैं। व्यापारियों को कंप्यूटर और लैपटॉप लोन पे कम ब्याज पर या बिना ब्याज के मिलने चाहिए और सब्सिडी पे मिलने चाहिए, ताकि GST की पालना करने में व्यापारियों को सुविधा हो। जीवन रक्षक जो विटामिन औषधियाँ हैं, ये एक विषय भी आया, उस पर 18% टैक्स है, उसको घटा के 5% किया जाए। असंगठित क्षेत्रों से सर्विस टैक्स कम किया जाए और पूरे देश में बिलिंग का एक ही सॉफ्टवेयर हो, एक ही पोर्टल हो, ताकि जो है उस पर सेल और परचेज दोनों एक ही पोर्टल पर हो सके, एक ही सॉफ्टवेयर पर हो, यह एक विषय भी यहाँ पर आया है। और व्यापारियों को रेलवे में कोटा दिया जाए, व्यापारियों को विशेष नागरिक का दर्जा दिया जाए, ये सारे विषय आज की बैठक में आए हैं, जिसको हम लोग सूचीबद्ध करके वित्त मंत्री जी को मेल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भेजने का काम करेंगे। ई कॉमर्स पॉलिसी को लेकर आपकी बहुत पुरानी मांग रही है, क्या लगता है इस बजट पे इसमें कुछ प्रावधान होने की उम्मीद है आप लोगों की? हम लोगों ने पहले भी वित्त मंत्री जी को दिया हुआ है, आज फिर दोबारा देंगे, और ये आज समय की भी मांग है, आवश्यकता है। देश में अगर ट्रेडिशनल व्यापारियों को बचाना है तो निश्चित रूप से ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी लानी होगी। ई कॉमर्स अब व्यापार करने की एक नई विधा है, जिसको जनता ने भी अपना लिया है और व्यापारी भी अपनाना चाहता है। लेकिन अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां, जिसके मालिक जेफ बेजोस विश्व के अमीर लोगों में शामिल हैं, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी कंपनी से कंपटीशन करना भारत के व्यापारियों का लिए बहुत आसान नहीं है। तो ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी बने तो भारत के व्यापारियों को भी एक इक्वल लेवल का जो है प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, ये हम लोग ऐसा मानते हैं। संजय जी, GST को लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों में रोष है, जिस तरीके से बीते दिनों छापेमारी हुई थी, आप लोगों ने भी बैठक की थी और इस विषय को सरकार के सामने रखा था, मंत्रियों के सामने रखा था, क्या लगता है GST को लेकर आप लोगों की क्या मांग रहेगी और क्या लगता है सरकार जो है उसको मानेगी? GST में जो सर्वे छापे सामूहिक हो रहे थे वो बंद किए गए हैं, सरकार ने उस समय कुछ समय के लिए रोका था। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की मांग है, ये परमानेंट बंद रहने चाहिए। यदि किसी की स्पेसिफिक कोई शिकायत है तो उस पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि लोग प्रतिस्पर्धा में जलने पे कहीं ना कहीं किसी अन्य उद्देश्य से शिकायत करते हैं। तो ये देखना चाहिए कि शिकायत करने वाला व्यक्ति कौन है, और जांच में किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। व्यापारी समाज के सबसे सजग पहरी है, सबसे ज़्यादा देश और प्रदेश को चलाने में सहायक बनता है वो, तो व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यदि व्यापारी, उद्योगपति और किसान, ये 3 लोग खुशहाल रहेंगे तो भारत खुशहाल होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं।
जी एक और सवाल है, 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि हम जो भी बजट लाए हैं, जो भी नीतियां लाए हैं, उससे कहीं ना कहीं सभी वर्गों को जो है वो फायदा हुआ है। 2024 आने वाला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार चुनाव का पूरा ध्यान रखेगी। देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं, इसलिए व्यापारियों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखेगी कि 8 करोड़ व्यापारी लगभग 32 करोड़ वोट पे असर डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को व्यापारियों को ध्यान रखना होगा और मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट होगा वो व्यापारियों का ही बजट होगा। संजय जी, एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, फरवरी में इसका आयोजन होगा और सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आए। व्यापारियों के लिहाज से क्या लगता है आपको, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है उत्तर प्रदेश के लिए? प्रदेश के व्यापारी भी इस समिट को लेकर बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से जो MOU हो रहे हैं, धरातल पर आते ही प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। जब उद्योग बढ़ेंगे, उत्पाद बनेंगे, तो निश्चित रूप से वो बाज़ार में ही बिकेंगे। बाज़ार में बिकेंगे तो व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल अपने अगले कदम में इस बात की तैयारी भी करने जा रहा है कि हम व्यापारियों के व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आने वाले उद्योगों को हम लोग कैसे लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। इस दिशा में भी अपने व्यापारियों को हम ट्रेनिंग देंगे और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संजय गुप्ता जी हैं जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्री बजट चर्चा है उसमें कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और सुझाव जो है वो केंद्र सरकार तक पहुँचाए जाएंगे, जिससे व्यापारियों का जो व्यापार है वो बढ़े, व्यापारी खुशहाल रहे। क्योंकि अगर व्यापारी खुशहाल रहेगा तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की होगी, प्रदेश की तरक्की होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र की मोदी सरकार व्यापारियों के लिहाज से अपने बजट में क्या कुछ लाती है। वीडियोजर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पनेडेल, इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।